14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, बड़ा ही खुशी का दिन है। और तमाम मुसलमानों को, तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक हो। और अल्लाह, मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक हमारे मुल्क के पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखे। अल्लाह पाक हमारी फौज को हमेशा कायम व दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद। और हमारे बड़ों ने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। कुछ के नाम, कुछ लोगों के नाम सामने हैं, लेकिन गुमनाम हीरो बहुत हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, कुर्बानियां देकर पाकिस्तान को हासिल किया। और आज माशाल्लाह बड़े खुशी का दिन है। आज संडे भी है और मैं चौक मुंडे जा रहा हूँ अपने डेरे पर। आज अल्लाह पाक की दुखी मखलूक आई है मेरे पास दुआ लेने के लिए, तो अब मैं जाकर इंशाल्लाह उनको दुआ दूंगा। और मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक ने जिस तरह हमें आज़ादी नसीब फरमाई, इसी तरह अल्लाह पाक जितने भी आज मेरे पास लोग आए हैं अल्लाह पाक उनको उनकी बीमारी से आज़ादी नसीब फरमाए, आमीन। और बाबा जी भी साथ हैं। बाबा जी, आप इस खुशी के मौके पर, आज़ादी के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज आज़ादी के मौके पर अपने प्यारे आका करीम की शान में जो है ना नात पढ़ना चाहूँगा। नात पढ़ी और आप दोस्तों ने बताना है मुझे कि कैसा लगा आपको नात सुन के।